हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक नंबर 3 इज़ टू बी टॉट हियर टुडे। लेट अस टेक अ स्टार्ट। टॉपिक नंबर 3 इज अबाउट कॉकरोच। यू हैव सीन मैनी ऑफ द कॉकरोच एट योर होम। तो लेट अस कम टू नो अबाउट कॉकरोचेज एंड इट्स लाइफ। कॉकरोचेज हैव 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स and a strong muscles to pull these legs। कॉकरोच के 3 जोड़े पैर होते हैं जो उसके मजबूत मांसपेशी से और उसके पैर से जुड़े होते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। jointed legs and a strong muscles help them to walk or run। तो ये पैर जो उसके जुड़े हुए हैं और उनके मजबूत जो मसल हैं, मांसपेशी हैं, ये उनको टहलने में और दौड़ने में मदद करते हैं। दियर फीट हैव टीनी क्लॉज दैट हेल्प देम टू क्लाइंब ऑन दी वॉल्स। उनके पैर में छोटे पंजे बने होते हैं जो उन्हें दीवार पर चढ़ने में सहायता करते हैं। Cockroaches have 2 pairs of wings, but they can fly only short distances। और कॉकरोच के 2 जोड़ी पंख होते हैं लेकिन इस पंख की सहायता से वो कुछ ही दूरी तक उड़ सकते हैं। The outer hard exoskeleton of cockroach is made up of different parts which helps them the movement of body। और कॉकरोच के जो बाहरी बनावट है वो बहुत कड़े आवरण का बना होता है जो उन्हें गति करने में सहायता करता है। Cockroaches have a pair of antenna to smell things। उनके एक जोड़ी आगे में सिर के पास ऐसा एंटीना नुमा बना होता है जो किसी चीज़ को सूंघने में उनकी मदद करता है। एंड ए पेयर ऑफ क्रेसी दैट कैन डिटेक्ट एवनी इवन वेरी स्लाइट मूवमेंट। और यह और जो क्रेसी बना होता है, एक जोड़ी जो क्रेसी बना होता है उनमें, तो ये डिटेक्ट कर लेता है, किसी चीज़ को ढूंढ लेता है। वो अपने मूवमेंट के द्वारा किसी चीज़ को ढूंढ लेता है जो उसके पसंद की चीज़ें होती हैं। स्नैक, मैनी ऑफ अस कम्प्लीटली नो अबाउट स्नैक्स एंड दिस डेज इन रेनी सीजन इट इज़ सीन वेरी इजीली इन फील्ड इन हाउस ऑल्सो। तो स्नैक्स डू नॉट हैव लेग्स येट दे हैव एबिलिटी टू मूव रैपिडली। सांप के पैर नहीं होते हैं लेकिन वह तेज़ी से गति कर सकता है। दे मूव बाई क्रॉलिंग ऑफ दियर बेली। वे अपने पेट की सहायता से रेंगते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ए स्नैक हैज ए लॉन्ग एंड फ्लेक्सीबल वर्टेब्रल कॉलम। उसका शरीर बहुत लचीला होता है और लंबा होता है। ईच वर्टेब्रा इज कनेक्टेड टू ए पेयर ऑफ रिब्स। और प्रत्येक वर्टेब्रा उसका एक जोड़ी रिब से कनेक्ट रहता है। विच आर ऑल्सो कनेक्टेड टू बेली स्केल्स। और ये रिब्स जो है उसके बेली जो उसका पेट है, पेट के स्केल से जुड़ा होता है एट द बॉटम नीचे में। तो स्ट्रांग मसल्स अटैच टू दी रिब्स। और मजबूत मांसपेशी जो है उसके रिब्स से, उसके पसलियों से जुड़ा होता है। वर्टेब्रा एंड बेली स्केल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ए स्नैक्स बॉडी। तो ये वर्टेब्रा और उसका जो तल है, तल यानी कि पेट के पास का जो स्केल है,
ये उसके गति करने में, सांप के गति करने में उसकी मदद करता है। ए स्नैक मूव्स बाय टर्निंग इट्स बॉडी इनटू द सेवरल लूप्स ऑन अल्टरनेट साइड्स। सांप जो है अपनी गति अपने बॉडी को लहराता है और जो सेवरल लूप्स है अल्टरनेट साइड के माध्यम से, मतलब ये दिखाई पड़ता है और इसी के माध्यम से वो गति करता है। मैंने अभी आपको बताया कि उसके जो पेट हैं, बेली मसल्स है, वो उसके रिब्स से जुड़ा हुआ है और जो काफ़ी चिकना भी होता है। ईच लूप ऑफ द स्नैक गिव्स इट ए फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। प्रत्येक लूप जो है स्नैक को आगे बढ़ने में, पुश करने में मदद करता है धरती पर। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मेनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट ए फॉरवर्ड पुश, प्रत्येक लूप उसका जो है उसको आगे बढ़ने में सहायक होता है, पुश करता है, धक्का देता है। दी स्नैक्स मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट। इस तरह से सांप जो है बहुत तेज़ी से गति कर सकता है, तेज़ी से दौड़ सकता है। स्नैक्स डू नॉट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, और सांप सीधे, स्नैक डू नॉट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, और जब सांप जैसे सीधा अगर दौड़ रहा हो तो अचानक से मूव नहीं कर सकता है। दे मूव इन ए वेव लाइक मैनर, ये मूव जो करता है उसका एक तरीका है, वो धीरे धीरे ही मूव करता है, और नहीं तो सीधा स्ट्रेट लाइन में अगर दौड़ रहा हो सांप, अगर सांप अगर गति कर रहा हो तो घोड़े से भी तेज़ दौड़ सकता है। लेकिन मूव इसलिए नहीं करता कि इनकी सिंगल हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी, और अचानक से मूव करने पर वो रीढ़ की हड्डी टूट सकता, इसलिए ये अचानक से मूव नहीं करते हैं। अतः अगर किसी व्यक्ति को सांप दौड़ा रहा है तो उसको सीधे न दौड़कर गोलाकार दौड़ना चाहिए। इस तरह से सांप को अवरोध उत्पन्न होगा गति करने में और वो उस व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाएगा। और हियर इज फाइव टॉपिक ऑफ फीस। हियर यू हैव बीन गिवेन ए पिक्चर ऑफ मूवमेंट इन ए स्कैन, मूवमेंट इन ए स्नैक, वेव लाइक मोशन, लूप हियर, बैकबोन हियर, लूप हियर इज लूप ऑल्सो। तो लूप की सहायता से अपने शरीर को तोड़ मरोड़ सकता है, और ये पेट की सहायता से ये स्ट्रेट लाइन में दौड़ता है, लेकिन वेव लाइक मोशन को ये कवर नहीं करता, ये स्ट्रेट लाइन में दौड़ सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसे ऐसे भाग रहा हो तो उसको पकड़ना इसके लिए आसान नहीं है। हियर इज फाइव टॉपिक फीस। ऑब्जर्व ए फीस व्हाइल इट मूव्स इन एक्वायरियम। आपने बहुत जगहों में एक्वायरियम देखा होगा जिसमें बहुत सारे मछलियों को रखा जाता है, उसमें जल भरा होता है और उसको भोजन बाहर से दिया जाता है, उसमें लाइट भी लगा रहता है। तो उसमें मछली का जो खांदा है जिसमें एक्वायरियम रखा जाता है, तो उसमें आप मछली का थोड़ा निरीक्षण कीजिए कि यू फाइंड दैट द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो आप देखे होंगे कि उसका मस्तक, हेड और उसकी पूंछ दोनों छोटे होते हैं, उसका बीच का पोर्शन जो है बहुत मोटा होता है, बड़ा होता है। द बॉडी टैपर्स एट द बोथ द एंड्स। ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर का जो दोनों हिस्सा है, हेड वाला और टेल वाला, इसको दबा दिया गया है और बीच वाला जो है शेप अलग हो जाता है, चौड़ा रहता है। तो दी शेप ऑफ बॉडी ऑफ फिश इज स्ट्रीम लाइंड लाइक ए बोट। तो इसका आकार जो है, मछली के शरीर का आकार बोट लाइक है, नाव के जैसा है। दिस टाइप ऑफ बॉडी शेप हेल्प्स ए फिश टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई वाटर एंड इनेबल द फिश टू स्विम थ्रू द वाटर। तो इस तरह का जो नौकाकार शरीर है उसका, ये उसे
तैरने में मदद करता है जिससे कि मछली आसानी से पानी में तैर सके। हियर इज ए पिक्चर ऑफ फिश फिन्स। ये इसके जो यहाँ पर पंख है इसको फिन्स बोलते हैं। आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्विमिंग। ये जो फिन्स है इसकी सहायता से ये तैरने में काफ़ी सहायक होता है। यहाँ पर फिन्स आल्सो है, ये फिन्स टॉल फिन्स यहाँ है, तो ये पूंछ की सहायता से या फिन्स की सहायता से, ये सब जितने भी फिन्स है इसकी सहायता से मछली तैरने का काम करती है जल में। द फिश मूव्स इन ए साइडवेज वेव लाइक मैनर। तो इसके साइडवे में जो फिन्स है या जो लगा हुआ है, द फिश मूव्स इन ए साइडवेज वेव लाइक मैनर्स। तो उसे वेव लाइक मतलब बड़ी तेज गति से ये जो है गति करता है। दिस मूवमेंट इज मेड पॉसिबल बाई स्ट्रॉन्ग मसल्स। और यह गति उसका जो है तभी संभव है जब वह अपनी मसल का सहायता ले रहा हो, दैट इज अटैच टू बी ए फ्लैक्सेबल बैकबोन। और जो मसल जो है ये मजबूत मसल उसके बैकबोन से, उसके रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। ड्यूरिंग स्विमिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व्स टू वन साइड एंड द टेल पार्ट मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। तो तैरने के दौरान क्या होता है, वो अपने बॉडी को एक तरफ मूव करता है। जैसे मान लीजिए बाएं तरफ अगर उसने मूव किया तो उसकी जो पूंछ है वो पूंछ दायां तरफ मूव करेगा। ठीक इसके उल्टा दिशा में जो है मूव करेगा, जिधर बॉडी मूव कर रही होगी उसके ठीक उल्टा दिशा में वो मूव करता है। दि फिश फॉर्म्स ए कर्व और ए लूप एज शोन इन ए फिगर 8.25। तो इस तरह से मछली मूव करता है, मतलब ऐसा है कि जैसे मछली को बाहर निकालते हैं तो तड़पता है, बस उसी स्टाइल में वो जो है पानी के अंदर मूव करता है। और देन क्विकली द बॉडी एंड द टेल कर्व टू द अदर साइड। तो इस तरह से उतना ही तेज़ी से उसका जो पूंछ है और जो दूसरा हिस्सा है वो अपोजिट साइड में गति करता है। तो दिस प्रोड्यूसेस ए जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। तो ऐसा करने से क्या होता है कि उसको एक जर्क लगता है और उसके शरीर को पुश करने की ताकत मिलता है। ऐसा लगता है जैसे पुश किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, तो इस तरह से वह आगे बढ़ती है। ए सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड। तो इस तरह से छोटे छोटे जो झटके दे करके चलने की इसकी जो आदत है वही मछली को तैरने में मदद करती है, मछली उसी से आगे बढ़ता है तैरकर। द फिन्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी हेल्प इन मूवमेंट। और जो इसके फिन्स उसके जो पंख इसमें मौजूद हैं वो गति करने में मछली की सहायता करते हैं। फिन्स ऑन द बॉडी ऑफ फिशेज हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। और इनके जो पंख बने होते हैं इसमें वो इनके शरीर को संतुलित रखते हैं एंड डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। और इससे इन्हें दिशा भी मिलता है जब ये तैर रहे होते हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज ब्रेक्स व्हेन द फिश नीड्स टू स्टॉप ऑन द वे। और जब ये तैरते हुए बीच में रुकना चाहते हैं तो इससे इस फिन्स की मदद से ये उसको ब्रेक कर सकते हैं जहाँ पर ये रुकना चाहते हैं। द टेल फिन्स एक्ट्स लाइक ए रडर दैट हेल्प्स द फिश टू चेंज द डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। और इसके पूंछ का जो हिस्सा है वो इसकी मदद करता है जिससे कि मछली जो है अपना दिशा चेंज कर सकती है तैरने के दौरान। हियर इज टॉपिक ऑफ 6 बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एज वेल एज वॉक ऑन द ग्राउंड। जैसा पंछी जमीन पर टहल सकता है वैसे ही ये हवा में उड़ भी सकता है, हवा में उड़ता भी है।
Some birds like ducks and swans also swim in the water. और कुछ पंछी ऐसे हैं जो जैसे बत्तख हुआ और हंस हुआ, ये पानी में तैरते हैं. Birds can fly because of the following features. और पंछी उड़ सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित, उनके शरीर में निम्नलिखित प्रकार का बनावट होता है जिसकी वजह से, जिसकी सहायता से वो उड़ सकते हैं. Their फोर लिम्स आर मोडिफाइड इन टू विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई. उनका फोर लिम्स का बनावट ऐसा होता है जिससे वो हवा में, जो उसके उड़ने में सहायक होते हैं. जैसे कि 8.26 में दिखाया गया है, ये पंछी अपनी पंखों की सहायता से उड़ रहा है. हिंड लिम्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग एंड प्रीचिंग. और हिंड लिम्स जो है उनके टहलने वहलने में, पैर पैर से जब चलते हैं, ये ग्राउंड पर चलते हैं तो उसमें उसकी मदद करता है. दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज दैट कट द एयर करेंट वाइल फ्लाइंग. और अपनी बॉडी को वह कैसा बना लेता है, स्ट्रीमलाइंड बना लेता है, स्ट्रीमलाइंड, जिससे कि अवरोध जो है, हवा में जो अवरोध होता है उसके विरुद्ध में ये उड़ान भर सके. और दियर बोन्स आर हॉलो विच मेक्स दियर बॉडी लाइट. और इनकी हड्डियाँ खोखली होती हैं, खाली होती हैं, जिससे ये, इनका शरीर हल्का होता है. उड़ते समय इनका शरीर जो है हल्का हो जाता है, इसलिए कि इनकी जो हड्डियाँ हैं वो रिक्त होती हैं, खाली होती हैं. दे हैव पावरफुल चेस्ट मसल्स विच हेल्प देम इन फ्लैपिंग दियर विंग्स ड्यूरिंग फ्लाइट. और इनके छाती का जो मांसपेशी है वो काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी पावरफुल होता है, जो उन्हें फ्लैप करने में, यानी कि डैने को फड़फड़ाने में उसकी मदद करता है. और दियर विंग्स ड्यूरिंग फ्लाइट, जब ये उड़ रहे होते हैं तो इसी शक्तिशाली डैना जो उनके चेस्ट से जुड़ा होता है, इसी की सहायता से ये उड़ते हैं. और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि इनकी जो हड्डी होती है, इनके शरीर की जो हड्डी होती है वो खाली होती है, खोखली होती है. और हड्डी में कुछ ना होने की वजह से इनका शरीर हवा में बहुत हल्का हो जाता है. और मजबूत मांसपेशियों की सहायता से, डैनों की मांसपेशी की सहायता से जो इनके चेस्ट से जुड़ा हुआ है, उसकी सहायता से ये हवा में बहुत आसानी से उड़ सकते हैं. ए फ्लाइंग बर्ड हियर एंड ए स्केलेटन ऑफ ए बर्ड. ये देखिए, यहाँ पर स्केलेटन दिया हुआ है, कंकाल दिया हुआ है. एक पंछी का कंकाल कैसा होता है, वो इस तरह का होता है. इनमें जो हड्डी है ये अंदर से ये खोखली होती है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भरा नहीं होता है अन्य जीवों की अपेक्षा. जो पृथ्वी पर घूमते हैं, हवा में उड़ नहीं सकते, उनकी अपेक्षा ये काफ़ी हल्का होता है और मजबूत भी होता है. ठीक है, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो गया. इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और समझ में नहीं आने पर आप हमसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.